गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। आज हम दोनों न्यूज़पेपर से द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस सेम आर्टिकल, जैसे कल हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ गवर्नर इन स्टेट लेजिस्लेचर, उसका क्या डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है गवर्नर पे इन पासिंग ऑफ द बिल्स बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर का क्या रोल रहेगा, ये आपका 10 या 15 नंबर का जरूर आएगा। और इसके लिए आपने मैंने एक चीज और की है आपके लिए कि कैसे नोट्स आपने बनाने हैं, कैसे ऐड करना है उसमें। अब हम चलते हैं द हिंदू पे। ये जैसे मैंने आपको बताया था कल रोल ऑफ गवर्नर इन लेजिस्लेचर, ये कल न्यूज आई थी, मैंने पूरी तरह से डिस्कस की थी आर्टिकल 200 उसके कंटिन्यूस में, क्योंकि जब एक क्वेश्चन 10-15 नंबर का आएगा तो आप ऐसा नहीं है एक दो एक दिन पढ़ के छोड़ दो। अब आगे जितनी डेवलपमेंट होगी वो आपने नोट करते जाना है। इसमें मैंने आपको आर्टिकल 200 का बताया था, इसमें गवर्नर के पास क्या ऑप्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। आज हम इससे आगे चलते हैं, सरकार या पुंछी कमीशन, ये सब मैंने जो है आपको अच्छी तरह से कल बताया था। तो हम आज के हिंदू पे चलते हैं, जो है उसी तरह से गवर्नर की जो पावर है इन पासिंग बिल, उस पर ही आगे फ्रंट पेज पे फ्रंट न्यूज हेडलाइन है। हेडलाइन का मतलब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 10 से 15 नंबर का आ सकता है, मेन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पॉलिटी एंड इंटरनल रिलेशंस में, जीएस के लिए भी और ऑप्शनल के लिए भी। तो आज ये नई स्टेटमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, गवर्नर कैन नॉट विथ होल्ड री पास बिल्स, और ये इन्होंने एग्री किया है सुप्रीम कोर्ट ने विद द तमिलनाडु गवर्नमेंट आर्गूमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड गवर्नर द डिस्क्रिशन टू विद होल्ड द बिल्स इट री इनेक्टेड और रेफर देम टू द प्रेजेंट। नाउ द गवर्नर कैन नॉट रेफर दीज बिल्स टू द प्रेजिडेंट ऑल्सो। एक आर्टिकल मैंने जैसे बताया, एक्सप्लेन पेज पे भी इसी तरह का आर्टिकल आ गया गवर्नर का, देखिए कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, गवर्नर रोल इन पासिंग द बिल्स। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सीजीआई ने जो है बताया कि आपने गवर्नर को बताया कि आपने नवंबर 10 के बाद जो है ये बिल वापिस किए, दिस वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। देन ये भी हमें पता होना चाहिए कि 4 स्टेट है ये, ऐसे तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना एंड पंजाब, जहां पे ये जो है कन्फ्लिक्ट है बीच पे। तो ये आपने आर्टिकल पढ़ना है, और मैं इसमें आपको आके ये बताऊंगा कि कैसे आपने नोट्स बनाने, आइडियल नोट्स, फर्स्ट रैंक लेने के लिए, टॉप रैंक लेने के लिए, फर्स्ट 5 में, फर्स्ट 10 में आने के लिए कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे आगे उसमें ऐड करना है, क्योंकि ये अब 1 दिसंबर को जो है फिर सुनवाई होगी, उसके बाद फिर आर्टिकल आएंगे फ्रंट पेज पे, तो आपने नोट करते जाना, मैं बताऊंगा कैसे। अब देखिए मैं लक्ष्मीकांत जी पॉलिटिक जो बुक है उससे भी निकाल के लाया हूँ कि गवर्नर की क्या पावर है ओर्डिनरी बिल में, क्या मनी बिल में पावर है। ये देखिए आर्टिकल 200 के अंदर, तो ये भी आपने साथ साथ करना है, क्योंकि अब आप गवर्नर के पावर अलग से करोगे, आज अलग से करोगे अखबार से, तो आपका इसमें काफी समय लगेगा और क्लैरिटी नहीं आएगी। तो साथ ही आप जो है गवर्नर की जितनी पावर है लक्ष्मीकांत से देख के इसको बिल्कुल एनालिटिकल वे से पढ़िए और एनालिटिकल वे से नोट्स बनाइए। अब देखिए मैं आपको सिखाता हूँ आइडियल नोट्स कैसे बनाते हैं हर एक टॉपिक के। आज जो नोट्स आप बनाएंगे उसके बाद क्या है, आपको 3 महीने मिलेंगे प्रिलिमरी के बाद, उस समय आपका बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा, और इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक पेज ही तो लिखना है 10-15 नंबर में। तब देखिए कैसे हम जो है रोल ऑफ गवर्निंग स्टेट लेजिस्लेचर और एससी रिमार्क्स क्या है। सबसे पहले क्या होगा, 10 बिल पास बाई तमिलनाडु स्टेट असेंबली इन 2020, दोज आर विद हेल्ड बाई तमिलनाडु गवर्नमेंट, दोबारा इसे गवर्नमेंट ने गवर्नर करना था। ओके अब देखिए कैसे हम जो है मॉडल नोट्स कैसे बनाएं ऑन रोल ऑफ गवर्नर इन स्टेट लेजिस्लेचर एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, 10 बिल पास बाई द तमिलनाडु स्टेट असेंबली इन जनवरी 2020, 3 ईयर्स बैक, विद हेल्ड बाई द तमिलनाडु गवर्नर विदाउट असाइनिंग एनी रीजन्स। देन तमिलनाडु गवर्नमेंट फाइल द पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट फॉर दैट। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ऑन नवंबर 10, 2023, द गवर्नर रिटर्न द बिल्स ऑन नवंबर 13। देन स्टेट असेंबली रीपास दोज बिल्स इन स्पेशल सेशंस। देन अगेन गवर्नर रिटर्न्स द बिल्स विद द जस्ट 1 लाइन रिमार्क्स, आई विदहोल्ड कंसेंट। नाउ इट इज अप टू द सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट हियरिंग इज ऑन
December 1. Then what are the Supreme Court observations? These you have to cram because क्वेश्चंस की जो डिमांड है उसके हिसाब से इनमें से पॉइंट लिखने हैं आपने, ये नहीं कि सारे लिखने, जो क्वेश्चंस की डिमांड है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन सबसे पहले क्या था, गवर्नर कैन नॉट विदहोल्ड री पास बिल्स, आज आया ये। देन गवर्नर्स आर नॉट इलेक्टेड, ये भी देखिए। देन आफ्टर रिटर्निंग द री पास बिल्स गवर्नर कैन नॉट रेफर द रिटेटेड बिल्स टू द प्रेजिडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। देन वाई शुड गवर्नर्स वॉन्ट पार्टीज टू मूव द सुप्रीम कोर्ट। देन आर्टिकल 200 मैंने कल भी बताया था आपको, ये चार जो है आपने अपने नोट्स में लिखनी है कि गवर्नर के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या अल्टरनेटिव्स हैं जब बिल गवर्नर के पास प्रेजेंट होगा इस तरह से। नेक्स्ट आपने लिखना है कौन कौन से स्टेट अफेक्टेड है, अपोर्शन रूल स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना एंड पंजाब, ये सारी चीजें आपने अच्छी तरह से। और इसमें खास बात यह है, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ कि जब गवर्नर विदहोल्ड करता है वो कितने समय तक विदहोल्ड कर सकता है, टाइम लिमिट नहीं है। नाउ इट इज अप टू द सुप्रीम कोर्ट, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ में जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के लिए टाइम लिमिट सेट की थी, क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें भी टाइम लिमिट सेट करेगा, वी हैव टू सी नाउ। डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमारे स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स जो है एकेडमीज में बैठे हैं, वो इस तरह से नोट्स बनाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे कैसे जो है क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं। तो आपसे सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी इसका फायदा हो। थैंक यू, धन्यवाद।